नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार है। गौरव कंप्यूटर ज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम लोग सीखेंगे इलेक्ट्रिसिटी बिल सीट, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी बिल का कैसे हम लोग निकालेंगे। दोस्तों चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो दोस्तों मैंने पहले से इलेक्ट्रिसिटी बिल सीट का यहाँ पर कुछ लिख के मैंने रखा। मैं आपको बताता हूँ, किसी कस्टमर का नाम है आपको मनोज, उसका एड्रेस है, यहाँ पर लिखेंगे एड्रेस, मीटर नंबर, हमने एग्जाम्पल में मीटर नंबर ले रहे हैं, मीटर नंबर कुछ भी प्रकार के हो सकता है, ठीक है ना। अकाउंट नंबर होता है जिससे आपको बिल पेमेंट करते हैं, इसी का मैं अकाउंट नंबर भी ले लेता हूँ। लोड यानी कि कितना केबी लोड है, यानी 1 केबी 2 केबी, ठीक है ना। उसके बाद डोमेस्टिक और कॉमर्शियल, डोमेस्टिक होता है घर के लिए, कॉमर्शियल आपको होता है बिजनेस के लिए, पर्पस के लिए। तो ये क्या है यहाँ पर लिख रहे हैं, ये डोमेस्टिक है घर के लिए है, ठीक है ना। लोड 1 केबी, रेट यूनिट, रेट यूनिट मतलब पर यूनिट कितना है, तो चलिए 3 रुपया है, ठीक है ना। अब करेंट यूनिट माने करेंट यूनिट इनका 200 है, और प्रीव्यू यूनिट यूनिट 100 है। तो इसको मैंने आपको किलो वाट निकालना है, यानी कि किलो वाट आवर, KWH का मतलब होता है किलो वाट आवर। इसमें इसमें दोनों क्या करना है, माइनस करना है, तो चलिए माइनस करते हैं, 100 आ गया। अब 100 का बिल निकालना है, तो यूनिट कितना है, इतना इतना यूनिट है, मैंने प्राइस रेट यूनिट, तो इसमें इसमें आपको गुना करेंगे तो इनका बिल निकल जाएगा। तो देखिए 100 में 3 से गुना करना है, यानी कि रेट यूनिट इतना आपको निकल गया। बहुत इजी है दोस्तों, इसी तरह से इलेक्ट्रिसिटी बिल का हम लोग सीट तैयार करते हैं। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।